देखो दोस्तों, जब भी कोई ट्रेलर या टीजर आता है किसी भी मूवी का, तो आपको कहीं ना कहीं से खबर तो मिली जाती है, लेकिन ऐसे अपडेट्स का क्या जो कि आपको ट्रेलर और टीजर में नहीं मिलते, बल्कि वो अनाउंसमेंट होते हैं एंड वो वेबसाइट्स पर ही छोड़े जाते हैं। अब ऐसे अपडेट्स आपको तो पता चलेंगे नहीं, एंड बहुत ही कम ऐसे अपडेट्स होते हैं जो कि आपको पता चलते हैं। तो ऐसे में मैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे अपडेट्स लेकर के आया हूँ जो कि आपको जानने भी हैं, लेकिन आपको पता नहीं है अभी तक कि ये सारे अपडेट्स आ चुके हैं। एंड कुछ अपडेट्स तो इसी महीने के हैं, यानी कि इसी महीने वो सब कुछ होने वाला है। तो आइए जानते हैं उस अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले अपडेट ये है दोस्तों कि नो एंट्री का सीक्वल आने वाला है। इससे पहले जब इस मूवी का अनाउंसमेंट हुआ था ना, तो इससे पहले सलमान खान का नाम जोड़ा जा रहा था कि भाई नो एंट्री 2 में सलमान खान होने वाले हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि नो एंट्री 2 में 3 हीरोज होने वाले हैं एंड 10-10 हीरोइंस होने वाली है, यानी कि कॉमेडी विद हॉटनेस। एंड यार, ये जो 3 हीरोज है ना, इनके डबल रोल होने वाले हैं। तो ऐसे में ये जो 3 हीरोज है उनका नाम तो आ चुका है, लेकिन 10 हीरोइंस कौन से होने वाले हैं ये अभी तक नहीं पता है। तो 3 हीरोज जो हैं वो है वरुण धवन, दिलजीत पाजी एंड अर्जुन कपूर। तो इन तीनों को लेकर के नो एंट्री 2 बनाई जा रही है। इसके जो प्रोड्यूसर है यानी कि बोनी कपूर, वो एक और मूवी का अनाउंसमेंट कर चुके हैं जिसको सुनने के बाद आपके भी गूज बम्स आ जाएंगे, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर इंडिया 2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि भाई हम लोग मिस्टर इंडिया 2 के बारे में भी सोच रहे हैं। तो मे भी हो सकता है कि इस साल या अगले साल ये मूवी भी आ जाए। बाकी दोस्तों, दूसरी अपडेट यह है कि पठान 2 आने वाली है, यानी कि शाहरुख खान को हम लोग एक बार फिर से स्पाई कैरेक्टर में देखने वाले हैं। तो ऐसे में जो एक्साइटमेंट है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि यार देखो, पठान वो मूवी है जिसने शाहरुख खान का कमबैक करवाया था 2023 में। अब इसका पठान 2 आ रहा है, यानी कि इसका सीक्वल आ रहा है, तो ऐसे में एक्साइटमेंट डबल हो चुकी। बाकी यार, इस मूवी को लेकर के ट्विस्ट ये है कि जो सिद्धार्थ आनंद है, यानी कि इसके जो डायरेक्टर थे जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया था पठान मूवी को, वो इस मूवी के डायरेक्टर नहीं होने वाले हैं। कि जो इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं वो है एटली। अब जवान से बड़ी हिट तो पठान थी नहीं, तो ऐसे में इटली और शाहरुख खान का जो जोड़ी है वो फिर से इस मूवी में यानी कि पठान 2 में आने वाला है। तो मुझे लगता है कि एक्साइटमेंट डबल नहीं बल्कि ट्रिपल होने वाला है। भाई साहब, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि यार शाहरुख खान एंड इटली के ड्यूओ को हम लोग फिर से देख पाएंगे। बाकी दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिद्धार्थ आनंद अब स्पाई यूनिवर्स में काम नहीं करेंगे, यानी कि अब डायरेक्टर के तौर पर वो कोई भी मूवी डायरेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि पठान 2 के बाद आने वाली जो मूवी है पठान वर्सेस टाइगर, उसको वो डायरेक्ट करने वाले हैं, यानी कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वो हाथ में ले रहे हैं। भाई बोलते हुए भी मतलब गूज़बम्स आ रहे हैं, तो और मतलब एक्साइटमेंट लेवल तो आप समझ ही सकते हो। खैर दोस्तों, अगली अपडेट ये है कि भूल भुलैया 3 बस आने वाली है, यानी कि इसका जो अनाउंसमेंट है खुद कार्तिक आर्यन ने ट्वीट करके किया था। अब ऐसे में कार्तिक आर्यन ने अपने ट्विटर हैंडल में फिर से एक पोस्ट डाली है जिसमें एक फोटो डाली है एंड नीचे लिखा हुआ है कि वी आर कमिंग। एंड यार, उस फोटो में सिर्फ कार्तिक आर्यन नहीं है बल्कि अपनी भाभी 2, एनिमल वाली भाभी 2 भी है, तो वो एज एन हीरोइन है उसमें लीड रोल पर। एंड ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें माधुरी दीक्षित का भी एक कैमियो होने वाला है, तो एक्साइटमेंट तो और भी ज्यादा बढ़ गई है इस मूवी को लेकर के। बाकी मैं तो पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी भाभी 2 को देखने के लिए, यानी कि उनका रोल इस मूवी में किस तरह से सेटल किया गया है वो देखने के लिए। एंड यार, पता नहीं, एक रूमर्स भी चल रहे थे, अब वो रूमर्स है सच्ची न्यूज है वो तो नहीं पता, लेकिन ऐसे बात चल रही थी कि मतलब दिव्या बालन भी इस मूवी में होने वाली है एंड अक्षय कुमार यानी कि अपने आदित्य श्रीवास्तव भी होने वाले हैं इस मूवी में। अब कितना सच है कितना झूठ ये तो नहीं पता, बट आगे जब इसका टीजर या ट्रेलर आएगा तो उसमें साफ जरूर हो जाएगा। बाकी दोस्तों, अब बारी है आज के लास्ट और सबसे बड़े अपडेट की, यानी कि पुष्पा 2 मूवी के लिए। एंड यार देखो, मुझे ये कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि भाई पुष्पा 2 से ज्यादा हाइप ना तो पठान 2 की है, ना तो भूल भुलैया 3 की है, और ना ही किसी और मूवी के लिए, क्योंकि यार देखो, पुष्पा का एक अलग ही क्रेज हमारे दिमाग में है, क्योंकि हमें पुष्पा से मानो प्यार ही हो गया है। तो दोस्तों, पुष्पा 2 के बारे में अपडेट ये है कि इसका टीजर अल्लू अर्जुन के बर्थडे के दिन में रिलीज होने वाला है, यानी कि 8 अप्रैल को। अभी हाल ही में पुष्पा 2 के जो मेकर्स हैं उन्होंने ट्वीट करके ये बताया है एंड एक पोस्ट भी डाला जिसमें पैर देख रहा है अल्लू अर्जुन का, मे भी हो सकता है। तो ऐसे में जब ये मूवी आ रही है 15 अगस्त को एंड अभी टीजर आया है, तो भाई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लेवल जो है वो हाई हो चुकी है एंड एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज्यादा है। एंड इसके बाद जब अल्लू अर्जुन ने खुद कहा है कि पुष्पा 3 भी आने वाली है, तो भाई कैसे इस मूवी की हाइप लो रह सकती। तो दोस्तों, 8 तारीख को इस मूवी का टीजर एंड मेरा रिव्यू देखने बिल्कुल भी मत भूलना। एंड आप लोग इन सभी मूवीज में से किस मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड